हेलो गाइस, मैं रंजन, आपको अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो होप कि आप सब बड़े होंगे, आपके सारे ही पालतू जानवर बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, अभी का सीन ये है कि अभी मैं छत पर ही हूं और अपना मस्त कबूतर खुले हुए है भाई, है ना। और अभी कबूतरों का दाना देने का समय हो चुका है, मतलब भाई फुल उतावले हुए पड़े हैं, देख सकते हो। दाना वाना ये रहा भाई, दाना मैंने भिगा रखा था, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि दाना जो है भाई भिगा के दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हो मेरे दाने में क्या क्या मिला रखा है, ठीक है भाई। तो ये जो है अभी ऐसे करके आओ, ये देखो टूट पड़े ना, तो ये ऐसा सिस्टम हो रहा है इनका, ठीक है। और अभी का सीन ये है कि इनको दाना वाना दे के अभी क्या करना है, अंडे फेंकने भाई। मुझे दो अंडे मिले मुझे अभी, ठीक है। कल तो नहीं थे भाई, आज के ही अंडे हैं ये, ठीक है। ये पता नहीं एक नर सेक रहा था, पर वो जो नर सेक रहा था ना भाई, वो और एक और नर, उन दोनों का जोड़ा लगा हुआ। तो भाई मैं इस कन्फ्यूज़न में हूँ कि भाई नर ने, मतलब जो है नर ने बच्चा कैसे दे दिया भाई, मैं ये सोच रहा हूँ। ओ सॉरी, अंडा कैसे दे दिया, क्योंकि दोनों नरों का जोड़ा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन है वो दोनों, रुक जाओ। हाँ ये रहा, एक ये है लाल बन सा, ठीक है। ये लाल बन दिख रहा है ना मेरी उंगली के सामने, ये वाला, और एक गुलाबी कबूतर मेरा, ये रहा ये गुलाबी। ये दोनों नरों ने ना, ये देखो, ये दोनों ही हैं। इन दोनों ने आपस में ही जोड़ा लगा रखा है, ठीक है। आपस में जोड़ा लगा रखा है, आपस में बैठ वैठ भी मारते हैं भाई, ये चोंच खूब लड़ाते हैं एक जोड़े की तरह ही। पर कंफर्म, जिसे कहते हैं ना कंफर्म, कहीं आप ये सोचो कि नहीं भाई ये तो नरमादिन भी हो सकते हैं, पर भाई कंफर्म ये दोनों ही नर हैं, ठीक है। आपको अगर आने वाली वीडियो में अगर मौका मिला ना जैसे गुटकेंगे, तो आपको दोनों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अंडा कैसे दे सकते हैं। तो ये वाला वहाँ से अभी अंडे सेक रहा था, ठीक है। ये लाल बन जो है अभी अंडे सेक रहा था, और गुलाबी बाहर ही था। तो विक्की ने कबूतर खोले थे तो ये दोनों अंदर ही थे, तो मैंने अभी दोनों को बाहर निकाला है, ठीक है। एक कबूतरी और थी, वो भी सेक रही थी। तो अब मैं ये सोच रहा, पता नहीं अंडा किसने दिया, या तो फिर ये ऐसी सेक रहा है। चलो वो तो कोई नहीं, सेकने वाली तो कोई बात नहीं है, मतलब मैं बता रहा था, ठीक है। तो अभी अंडे को फेंक देते हैं। और रही बात, जैसे कि पिछली वीडियो में भाई साहब एक बात और बतानी थी आपने, यार उस वीडियो पे इतने कमेंट करे कि भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, पता है। इतने दिनों बाद, मतलब जब से मैं शायद वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद ना, 900 कमेंट है उस वीडियो पे, 900 कमेंट भाई साहब। नहीं तो और वीडियोस पे भाई सिर्फ 90, 80, 100, 150 इतने होते थे, पर भाई साहब उस वीडियो पे 900 कमेंट देख के मैं तो हिल गया भाई। मतलब आप लोग इतना चाहते हो कि नया सेटअप बनाओ, मतलब ब्रीडिंग सेटअप जो भी है अपना, ठीक है। और काफ़ी सारे भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि नए कबूतर कब छोड़ोगे भाई। तो नए कबूतर भी जल्दी छोड़ूंगा, पर इस बार ज़्यादा कबूतर नहीं छोड़ पाऊंगा भाई मैं, क्योंकि ना इस बार ना थोड़ा बजट ना बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है अपना। बजट इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। 3-4 महीने से ना मैंने, मतलब अपने चैनल पर ध्यान नहीं दिया ना, जिससे अपना चैनल का जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो काफ़ी डाउन चला गया है। तो मतलब जितने व्यूज़ आते हैं ना, उससे मतलब अपनी जो पहले ज़्यादा अर्निंग होती थी ना, मतलब थोड़ी बहुत जो भी होती थी, मतलब उससे काफ़ी कम हो गई है। तो मतलब ना कबूतरों तो थोड़े कम ही है, बाकी अर्निंग कोई बात नहीं है, वो तो अभी प्यार और सपोर्ट आपका है, ठीक है। आने वाले टाइम में मुझे पता है और मिलने वाला है हमें, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है भाई। तो वो तो कोई नहीं, पर कबूतर छोड़ दूंगा इस बार भी, 20-30 कबूतर देखते हैं, बजट बनाते हैं अपना। वरना इस टाइम अगर मेरी अर्निंग सही होती ना, और पूरा अपना मतलब पहले की तरह सारी सही होती, तो मैं एक पटियाले कबूतर छोड़ने की सोचता, पर भाई क्या ही कर सकते हैं अपने, जब अपने ये एक बार मतलब सोचता कि भाई, अब काफ़ी सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि भाई देसी पालता है तो भाई पटियाले क्या छोड़ रहा है। काफ़ी सारे भाई ये भी बोलेंगे कि भाई पटियाले हर किसी के बस की नहीं है, वो भाग जाते हैं तो उनका दाना ज़्यादा होता है ये वो। मतलब मेरा एक मन कर रहा था कि शायद पटियाले पाल लो, छोटे वाले पटियाले जो होते हैं, छोटे पटियाले होते हैं ना, केतली पटियाले शायद बोलते हैं, वो वाले कबूतर पालने ही सोचता था मैं। तो बाकी कोई नहीं, तो अभी तो दाना वाना इनको दे ही रहा हूँ मैं, दाना भी पूरा ख़त्म होने वाला है ये तो इनका। आओ आओ ये लो भाई, सारा दाना खाली कर दिया, खा लो आराम से, बढ़िया, ठीक है भाई। और सेटअप की बात रही है तो यहीं पे बनेगा अपना सेटअप भाई, जैसे कि आपको पता ही है। मैं पता है अभी थोड़ा झिकझिका क्यों रहा हूँ, क्योंकि ना इसमें अंडे पक गए हैं शायद ये, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ अंडे पक गए हैं तो फेंकूँगा तो बच्चा मर जाएगा और पाप भी पड़ेगा। बाकी कोई नहीं यार, थोड़े दिन की बात है, 1-1.5 महीने की, वो तो है ही। तेरी इसकी आँख आ रही है क्या यार, पता नहीं गर्मी में ना एक बीमारी लगी पड़ी है, आँख नहीं आती, ये आँखों की पलके जो है ना सूज जा रही है, ये भी पट्ठा ही है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये आँख की पलके सूज जा रही है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि भाई ये भी आँख वाली ही बीमारी है या फिर ये कोई और नई बीमारी है, क्योंकि इस पट्ठे की भी सेम हो गई थी अपने आप को पता है, पर इसकी अपने आप ही ठीक हो गई, मैंने इसको कोई दवाई वगैरह नहीं दी भाई, ये देख सकते हो बिल्कुल चकाचक बिल्कुल फिट हो गया भाई ये देख सकते हो। और इस वाले पट्ठे की अभी हुई है शायद ये, तो ये देख सकते हो आप लोग भाई साहब, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आँख वाँख आ रही हो, पलके वलके इतनी मोटी मोटी हो रखी है भाई। पर कोई नहीं, इनको तो
बताना आप लोग कमेंट करके कि भाई ये आँख वाली ही बीमारी है या कोई नई बीमारी अभी चली है भाई कबूतरों में, मुझे तो नहीं पता। ठीक है भाई, तो बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो यहाँ से अपना सेटअप बनाएंगे हम, जिसमें पेटी बनाएंगे ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 खाने की, एक साइड 4 खाने, एक साइड 4 खाने, 8 खाने की पेटी बनेगी टोटल। बाकी यहाँ पे अपने मस्त रहेगा। और काफ़ी सारे भाई ये बोल रहे हैं कि इसमें फैंसी फैंसी जोड़े छोड़ो, सेंटिन ऐड क्या हो गए, ठीक है, अपने रंगीन कबूतर छोड़ो। तो भाई मैं भी सोच रहा हूँ इसमें फैंसी कबूतर ही रखेंगे, ठीक है, या अपने दोस्त के पास है तो उससे मांग मांग के ले आएंगे जोड़े वगैरह। देखते हैं जो भी होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। उस दोस्त के पास भी अच्छे अच्छे कबूतर है। ये कहाँ से आया भाई, ये उड़ के कहाँ से आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से उड़ के आया है। छत पे ही था ना। अब यार ये भूखे हैं, मुझे लग रहा अभी भी इतना सारा दाना खा लिया, आज इनको भूख लग रही है। आए दिन देखते हो भाई आप लोग, कबूतर बंद करता हूँ ना तो ये ना मतलब जो वो होता है मतलब दाना बचा देते हैं। आज मैंने दाना इनको सारा खिला दिया सारा, फिर भी आज ये भूख मान रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये समय के साथ साथ ऐसा होता जा रहा है क्या? ये देखो अपना मैंने दाग शिट भाग गया, ये अपना पट्ठा है ना भी खैरा। ओहो पट्ठा अंदर चला गया, चलते तू अंदर ही, तूने खा लिया वैसे भी। ये पट्ठा ही तो एंड में दुखी करता है, सही है आज ये बंद हो गया, वरना भाई कबूतर बंद करते करते ना कम से कम 1 घंटा बर्बाद करता है मेरा रोज, 1 घंटा कबूतर बंद ही नहीं होने देता बिल्कुल भी। तो फटाफट इन्होंने दाना वाना तो खा लिया है भाई, ठीक है। तो अंडे को फेंक दो यार, अब मैं दिखाने वाला था कि मैं अंडे फेंक रहा था, ठीक है भाई, आज के अंडे 2 फेंक देते हैं। तो फटाफट इनको फेंक फूक के पानी वानी रख देते हैं। लो जी भाई ये दोनों अंडे फेंक रहा हूँ इस वजह से मैं, क्योंकि भाई अब हमारे पास कोई काबली है नहीं जिनको मैं इनको रखूँ, तो ये लो भाई फेंक दिए, वो गए नीचे भाई साहब, ठीक है। अगर काबली के नीचे अंडे होते ना तो मैं नहीं फेंकता, इनको सिकवा लेता। तो कोई नहीं, अब फटाफट पानी वानी भर के रख देते हैं। पत्थर खा रही इतनी बड़े बड़े भाई साहब, ये वाले पत्थर खा रही थी अभी, पत्थर वत्थर मत खा भैया। तो चलो इनको पानी वानी डाल देते हैं अब, हैं। तो छोटी सी वीडियो थी भाई, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं खींची मैंने, ठीक है। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया पिछली वीडियो पे कमेंट कर करके, मुझे अच्छा लगा। व्यूज़ तो नहीं आए ज़्यादा पर भाई कमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो चलो इनको पानी वानी रख देते हैं, पानी वानी रख के इनको बंद करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों अभी कबूतर बंद कर दिए, सॉरी यार वीडियो ना एंड ही नहीं कर पाया, फ़ोन आ गया था किसी का, उस बातों में ना मैं वीडियो एंड करना ही भूल गया कि मैंने वीडियो एंड ही नहीं करी। सो भाई मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। बहुत जल्द नया सेटअप देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोगों को जिस टॉपिक पर वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, ठीक है। सब तक के लिए टेक केयर, बाय।